ट द न्यू साइकॉलॉजी ऑफ सक्सेस डिचय माइंडसेट पुस्तक में कैरोल डुएक ने यह समझाया है कि हमारी मानसिकता या सोच का हमारे जीवन में कितनी बड़ी भूमिका होती है हमारी सफलता असफलता और जीवन में आगे बढ़ने की क्षमता काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि हम किस प्रकार की मानसिकता रखते हैं उन्होंने दो प्रकार की मानसिकता का जिक्र किया है स्थिर मानसिकता फिक्स्ड माइंडसेट और विकास मानसिकता ग्रोथ माइंडसेट स्थिर मानसिकता फिक्स्ड माइंडसेट स्थिर मानसिकता वाले लोग यह मानते हैं कि उनकी क्षमताएं और बुद्धिमत्ता जन्म से तय होती है और उन्हें बदला नहीं जा सकता ऐसे लोग चुनौतियों से बचते हैं असफलताओं से घबराते हैं और नई चीजें सीखने की कोशिश कम करते हैं उदाहरण राहुल एक अच्छा क्रिकेट खिलाड़ी था लेकिन जब भी उसे कठिन विरोधियों से खेलना पड़ता वह डर जाता था उसे लगता था कि अगर वह हार गया तो लोग उसे कमजोर समझेंगे उसकी यही सोच उसे अपने खेल में आगे बढ़ने से रोकती थी विकास मानसिकता ग्रोथ माइंडसेट विकास मानसिकता वाले लोग यह मानते हैं कि उनकी क्षमताएं मेहनत प्रयास और सीखने से विकसित हो सकती हैं ये लोग असफलताओं से घबराते नहीं बल्कि उनसे सीखते हैं और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं उदाहरण सपना पढ़ाई में औसत थी लेकिन उसने ठान लिया कि वह कठिन विषयों में भी अच्छी बन सकती है उसने मेहनत करना शुरू किया नए तरीके आजमाए और धीरे धीरे उसकी प्रगति साफ दिखने लगी सपना ने यह साबित किया कि मानसिकता बदलकर हम अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं चुनौतियों का सामना स्थिर मानसिकता वाले लोग चुनौतियों से दूर भागते हैं क्योंकि उन्हें असफल होने का डर होता है वहीं विकास मानसिकता वाले लोग चुनौतियों को अवसर के रूप में देखते हैं और उनसे कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं उदाहरण आरव को पब्लिक स्पीकिंग का डर था लेकिन उसने यह समझा कि यह डर केवल उसकी स्थिर मानसिकता के कारण है उसने छोटी छोटी शुरुआत की दोस्तों के सामने भाषण दिया और धीरे धीरे बड़े मंचों पर बोलने लगा उसने अपने डर को अवसर में बदल दिया आलोचना और प्रतिक्रिया स्थिर मानसिकता वाले लोग आलोचना को नकारात्मक रूप में लेते हैं और इससे निराश हो जाते हैं जबकि विकास मानसिकता वाले लोग आलोचना को एक मूल्यवान जानकारी के रूप में लेते हैं और इसका इस्तेमाल अपनी गलतियों को सुधारने में करते हैं उदाहरण नेहा के बॉस ने उसकी रिपोर्ट पर कुछ सुझाव दिए पहले तो नेहा को बुरा लगा लेकिन बाद में उसने यह समझा कि ये सुझाव उसे बेहतर बनाने के लिए है उसने अपने काम में सुधार किया और उसकी रिपोर्ट्स और बेहतर हो गईं। सफलता की परिभाषा स्थिर मानसिकता में लोग केवल परिणामों पर ध्यान देते हैं और असफलता को अंतिम मानते हैं लेकिन विकास मानसिकता वाले लोग प्रक्रिया मेहनत और सीखने पर ध्यान केंद्रित करते हैं चाहे परिणाम कुछ भी हो उदाहरण सौरभ ने एक नया स्टार्टअप शुरू किया लेकिन शुरुआती दिनों में उसे कई असफलताओं का सामना करना पड़ा उसने हार मानने के बजाय उन असफलताओं से सीखा और अपने बिजनेस में बदलाव किए कुछ समय बाद उसका स्टार्टअप सफल हो गया निष्कर्ष माइंडसेट हमें यह सिखाती है कि हमारी सोच का तरीका ही हमारी सफलता और असफलता तय करता है अगर हम अपनी मानसिकता को विकास की दिशा में मोड़ें तो हम जीवन में किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं विकास मानसिकता अपनाने से हम न केवल अपने करियर बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी सफल हो सकते हैं यह ऑडियो बुक की हिंदी में संक्षिप्त व्याख्या है जिसे उदाहरणों के साथ आसानी से समझाया गया है